हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th ऑफ मई एंड पोलिंग ऑन 1st ऑफ जून। देश के सबसे बड़े पर्व की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी संग्राम की उल्टी गिनती भी अब शुरू हो चुकी है। 7 चरण में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का ऐलान हो चुका है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सभी 7 चरणों की तारीखें दिख रही हैं। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठवा चरण 25 मई को और सातवां चरण 1 जून को होगा और उसके ठीक 3 दिन बाद 4 जून को तय होगा कि अब की बार 400 पार या इंडिया की धार। सुरक्षा के मद्देनजर 22 राज्यों में 1 चरण तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव रखे गए हैं। दिल्ली में 6ठे चरण में चुनाव होगा। एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के द्वार को खोलकर 400 पार पहुंचने के लिए तेलंगाना में हुंकार भर रहे थे, तो वहीं अपनी न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी सरकार पर जुबानी बाढ़ चलाए। आप किसी को वोट देते हो, वोट किसी और को चला जाता है। आप किसी को चुनते हो, आप एमएलए चुनते हो, वो एमएलए किसी और का बन जाता है। जैसा कि प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, मतलब साफ है कि अब सिर्फ 1 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठेगा कि बीजेपी के 2 बार से दौड़ रहे अश्वमेध के सियासी घोड़े को इंडिया गठबंधन रोक पाएगा या फिर वो एक बार फिर अपने तय लक्ष्य को साधते हुए 400 के पार पहुंच पाएगा। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार। मोदी सरकार हो या फिर विपक्ष, इस बार दोनों ही तरफ से लोगों को मोदी की 4 जातियों में से शामिल 2 जातियों पर बड़ा भरोसा है। पहला महिलाएं और दूसरा युवा। इन दोनों का जोड़ किसी भी वक्त चुनाव का माहौल बदल सकता है। तो दूसरी तरफ जनता के सामने दोनों ही तरह के दल भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे को लेकर भी जाएंगे। इससे विपक्ष मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की काट कैसे निकालेगा वो देखना होगा। कुल मिलाकर रणनीति बन चुकी है, चुनाव नीति आज आ चुकी है, बस जीत की नीति बननी बाकी है और परिणाम नीति जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।